नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जून दिन शनिवार। खबरें क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने 2610 पदों पर निकाली भर्ती। बिहार में जमीन के विवादों को बढ़ता देख राजस्व विभाग ने लिया ये फैसला। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को हाईटेक बनाने की है तैयारी। मक्के के इस नए किस्म से अब खरीफ सीजन में मक्के की खेती में नहीं पिछड़ेगा बिहार। वेटिंग टिकट की परेशानी को रेल मंत्रालय दूर करने की कर रहा तैयारी। उलट फेर में माहिर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम को होना होगा तैयार। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने 2610 पदों पर निकाली भर्ती। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा 2610 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bspcl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 1500 रुपए लिए जाएंगे। वहीं आरक्षित उम्मीदवारों को इसके लिए 375 रुपए देने होंगे। ये भर्ती कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क जूनियर अकाउंटेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए निकाली गई है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को हाईटेक बनाने की है तैयारी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को हाईटेक बनाने की तैयारी चल रही है। इस तैयारी के तहत सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की गतिविधियों को चरणवार तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा। विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा निर्मित सामर्थ्य पोर्टल पर तमाम जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। ये डिजिटल बदलाव बच्चों की सुविधा को देखते हुए किया जा रहा है। दरअसल कई बच्चों को यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी तो उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सामर्थ्य पोर्टल के जरिए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी ऑनलाइन हो सकेगी और कॉपियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इस नई व्यवस्था के तहत जब भी किसी तरह का कोई रिकॉर्ड विश्वविद्यालय प्रशासन ढूंढना चाहे तो उसे आसानी से मिल सकेगा। बिहार भ्रमण के लिए पर्यटकों की बढ़ रही संख्या। बिहार में पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देश और दुनिया के लोग बिहार में घूमने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। साल 2023 में बिहार भ्रमण के लिए 8,21,32,277 पर्यटक पहुंचे थे, जिसमें 5,46,576 पर्यटक विदेशी थे। 2019 में 3,50,00,000 पर्यटक बिहार भ्रमण के लिए पहुंचे थे। वहीं इस साल के पहले तिमाही में ही करीब 1,18,00,000 पर्यटक बिहार भ्रमण के लिए आ चुके हैं। पर्यटक सचिव अभय कुमार सिंह द्वारा बैठक के दौरान कहा गया कि बिहार के होटल उद्योग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के प्रति होटल कर्मियों में आतिथ्य भाव विकसित हो सके। बिहार में जमीन के विवादों को बढ़ता देख राजस्व विभाग ने लिया ये फैसला। बिहार में जमीन के विवादों को बढ़ता देख राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर जमीन से संबंधित विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभागों में कर्मचारियों की कमी के कारण ये विवाद समय पर नहीं सुलझ पा रहे थे, लेकिन अब 10,000 नए कर्मचारियों की बहाली के बाद ये समस्या हल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुविधाओं को आने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है, जिससे कि विभाग द्वारा रैयतों को दी जा रही हर एक सुविधा को समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवाया जा सके। इस जिले में लग रहा बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट काम शुरू किए जाने को लेकर लखीसराय के नजदीक कजरा में L&T कंपनी को अनुमति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। L&T इस प्लांट पर करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है, वही 253.35 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज की क्षमता है। 18 महीने में इस प्लांट का निर्माण पूरी होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के कमिश्निंग के बाद इसका संचालन L&T अगले 10 वर्षों तक करेगी। इसके शुरू होने से बिजली की उपलब्धता पिक लोड के समय संभव हो सकेगी। इस विभाग में जल्द 10,000 कर्मियों की होगी बहाली। बिहार में रोजगार और नौकरी के मामले में एक्टिव हुई बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री द्वारा बड़ा दावा किया गया है। दरअसल मंत्री दिलीप जायसवाल ने दावा करते हुए कहा है कि बहुत जल्द 10,000 कर्मियों की बहाली की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पटना के ज्ञान भवन में इसी महीने के अंत में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जमीन से संबंधित जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों का होना जरूरी है, लेकिन इसलिए करीब 10,000 कर्मचारियों की बहाली होने जा रही है। इसमें सबसे अधिक 8,035 अमीन के पद होंगे। सर्वेक्षण लिपि के 742 और सर्वेक्षण कानूनगो के 458 पद शामिल है। मक्के की इस नए किस्म से अब खरीफ सीजन में मक्के की खेती में नहीं पिछड़ेगा बिहार। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में 2 दिवसीय 27वीं खरीफ अनुसंधान परिषद की बैठक हुई थी, जहां खरीफ मक्का के एक नए प्रभेद को रिलीज करने के साथ ही किसानों के लिए उपयोगी 2 नई तकनीक को भी जारी किया गया है। कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी, जहां खरीफ मक्के के एक नए प्रभेद को रिलीज करने के साथ ही किसानों के लिए उपयोगी 2 नई तकनीक को भी जारी किया गया है। कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। आपको बता दें कि खरीफ सीजन के दौरान बाहरी बीज के मक्के की खेती से बारिश के मौसम में फसल में कई प्रकार की बीमारी लग जाती है। मक्का उत्पादन में बिहार सबसे आगे है, बावजूद इसके खरीफ सीजन में बिहार पिछड़ जाता है। इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कई वर्षों के प्रयास से खरीफ सीजन के लिए उपयुक्त मक्का का नया प्रभेद सबौर मक्का 1 विकसित किया गया है, जिससे किसानों को अब इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल का मजा पहले से होगा 2 गुना। अब व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करना पहले से और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। दरअसल व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर को ऐड करने वाली है। इस फीचर की मदद से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पहले से और भी ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाएंगे। इस फीचर के तहत आप अपने बैकग्राउंड बदल पाएंगे। वीडियो कॉल के दौरान आपको फेस फिल्टर लगाने के ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा आप वीडियो कॉल के दौरान 3D ऑब्जेक्ट भी लगा सकेंगे। इस तरह का फीचर स्नैपचैट पर वीडियो कॉल के दौरान भी देखने को मिलता है। वेटिंग लिस्ट की परेशानी को रेल मंत्रालय दूर करने की कर रहा तैयारी। अपनी यात्रा के लिए हमें से कई लोग भारतीय रेलवे पर निर्भर हैं, लेकिन भारतीय रेल से यात्रा करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण अक्सर टिकट लेते समय टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। लेकिन अब सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वो साल 2032 तक हर यात्री को कन्फर्म सीट देगी। इसके लिए सरकार और रेल मंत्रालय की तरफ से कई स्तर पर काम किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ समयों में नई ट्रेन खरीदने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की तैयारी है। साथ ही रेलवे बेड़े में 7,000 से 8,000 नए ट्रेन को शामिल करने की बात सामने आई है। इसके अलावा AI के इस्तेमाल से वेटिंग टिकट की परेशानी को दूर करने की बात भी सामने आई है। इस तकनीक से TT अपने मनमानी नहीं कर पाएंगे और आपकी बर्थ आपको ही मिलेगी। 2 जुलाई से तारा मंडल में शुरू होंगे ये 2 नए शो। 2 जुलाई से तारा मंडल में 2 नए शो की शुरुआत होने जा रही है। इस नए शो का नाम वॉयजर और लाइफ ऑफ ट्री है। आपको बता दें कि अभी तारा मंडल में VR स्टार्स और एस्ट्रॉइड मिशन एक्सट्रीम शो को दिखाया जा रहा है, लेकिन 2 जुलाई से ये दोनों ही शो रिप्लेस कर दिए जाएंगे और इनकी जगह पर 2 नए शो को चलाया जाएगा। इस संबंध में तारा मंडल के नोडल पदाधिकारी शिव शंकर सहाय ने बताया है कि महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में नए शो दिखाए जाएंगे, वहीं दूसरे और चौथे सप्ताह में पुराने शो ही चलाए जाएंगे। नए और पुराने शो दोनों की सुविधा अल्टरनेट सप्ताह में दिए जाएंगे। 23 जून को सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए होगी परीक्षा। 23 जून को सब इंस्पेक्टर के 64 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है। ये भर्ती बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए की जा रही है। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में देखने को मिलेगा, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगी। पहली पाली में परीक्षा देने वाले बच्चों को सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। वहीं दूसरी पाली के अभ्यर्थियों को दोपहर के 1 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना होगा। अभ्यर्थियों को बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड के साथ ही फोटोयुक्त पहचान पत्र भी लेकर आना जरूरी होगा। BPL राशन कार्ड बनवाने के लिए जाने क्या है पात्रता। सरकार देश के हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखती है, जरूरतमंद लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाती हैं। वैसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा BPL राशन कार्ड भी दिया जाता है। इस कार्ड को लेने के लिए खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा कुछ पात्रता रखी गई है। इस कार्ड को लेने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति की सालाना आय 20,000 रुपए से कम हो, आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो,
आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, आवेदक भारत का नागरिक हो, बीपीएल राशन कार्ड धारकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल है। इसके अलावा इन्हें बहुत ही कम ब्याज पर लोन का फायदा भी मिलता है, साथ ही कई सरकारी पदों पर इन्हें आरक्षण का लाभ भी दिया जाता है। जाने लू के क्या है लक्षण। इस गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और गर्म हवा से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आईपीआरडी बिहार ने लू के लक्षणों के बारे में जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक त्वचा का गर्म लाल और सूखा होना, शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जाना, जिम चलना या उल्टी होना, चक्कर आना, बेहोशी आना, बदन में तेज दर्द, तेज धड़कन और सांसें तेज होना, मांसपेशी में कमजोरी या ऐंठन होना शामिल है। लू या गर्म हवा से बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिला और मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं, साथ ही निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 पर कॉल कर सकते हैं। मॉनसून की दस्तक से मौसम हुआ सुहावना। प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। मॉनसून के आते ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो चुका है। प्रदेश में तापमान भी पहले से कम हुआ है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अररिया और किशनगंज जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। बढ़ते महंगाई के दौर में कई लोगों को लोन की जरूरत होती है। इन जरूरतों को देखते हुए कई ठग भी सक्रिय हो चुके हैं। अभी हाल में ही बिहार पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया है कि ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से रुपयों की ठगी करने के मामले में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ इनके पास से 8 मोबाइल और कस्टमर डेटा सीट बरामद किए गए हैं। इसलिए आम लोगों से अपील है कि ऑनलाइन लोन लेने के चक्कर में इन साइबर अपराधियों के फेरे में फंसने से बचें। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को वेतन सत्यापन करना जरूरी, वरना 25% तक के वेतन में होगी कटौती। अभी हाल में ही राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि शिक्षकों और कर्मियों का वेतन सत्यापन होना जरूरी है। यदि उनका वेतन सत्यापन नहीं होता है तो उनके वेतन में 25% तक की कटौती की जाएगी। वेतन की जिन राशियों में कटौती हुई है उनका बकाया वेतन उन्हें सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों की जमीन पर बिहार सरकार जमाबंदी करवाने की कर रही तैयारी। वर्ष 1947 में देश का जब विभाजन हुआ था तब जमीला खातून, रजिया खातून और नूर जहां खातून पाकिस्तान चली गई थी। इन तीनों ही पाकिस्तानी नागरिक की करोड़ों की जमीन खगड़िया में मौजूद है। इस जमीन को अब सरकार के नाम से जमाबंदी करवाए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस जमीन पर भू माफिया लंबे समय से नजर गड़ाए बैठे थे। इस जमीन को लेकर कई लोग पहुंचे जिन्होंने इन पाकिस्तानी नागरिकों का खुद को वंशज बताया और थाना में आवेदन दिया, लेकिन रजिस्ट्रार को प्रतिवेदित किया गया कि गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में इन पाकिस्तानी नागरिकों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई जाए, जिसके बाद इस जमीन की जमाबंदी की बात सामने आई। बिहार विधानसभा के सदस्य श्रेयसी सिंह का पेरिस ओलंपिक में हुआ चयन। बिहार विधानसभा के सदस्य श्रेयसी सिंह का चयन पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में हुआ है। टीम में शामिल करने की मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा दी गई है। मंजूरी मिलते ही श्रेयसी पेरिस ओलंपिक के लिए 21 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम में शामिल किया गया है। अब श्रेयसी सिंह राजेश्वरी कुमारी के साथ महिला ट्रैप स्पर्धा में भी भाग लेंगी। मालूम हो कि 32 वर्षीय श्रेयसी बिहार की राजनीति में भी सक्रिय हैं और जमुई से विधायक हैं। मुस्लिम कुशवाहा के समीकरण पर काम कर रहे लालू यादव। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद लालू यादव और उनकी पार्टी राजद विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। लंबे समय से परिवारवाद की बदनामी झेल रही राजद ने इस बार अभी कुशवाहा को लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक में संसदीय दल का नेता चुना है। वहीं सुरेंद्र यादव लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। वहीं राज्यसभा के संसदीय दल का नेता फैयाज अहमद को चुना गया है। राजनीति के मांझे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले लालू यादव इस बार एमके यानी मुस्लिम कुशवाहा की पॉलिटिक्स पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य बदलते ही सम्राट चौधरी ने मुरेठा उतारने की बताई तारीख।
नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बाद ही पगड़ी उतारने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी ने अब अपनी पगड़ी उतारने की डेट बता दी है। हालांकि गठबंधन से अलग होकर अभी भी नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। राजनीतिक परिदृश्य के बदलते ही सम्राट चौधरी खुद से किया वादा पूरा नहीं कर पाए। सम्राट चौधरी 2 और 3 जुलाई को अयोध्या जाने वाले हैं। इसी दौरान वे अपनी पगड़ी उतारेंगे। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जब पत्रकारों ने उनके मुरेठे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी मेरे लिए दूसरी माँ है। विरोधी दल के नेता के तौर पर मुरेठा बांधा था, मैं अयोध्या जाऊंगा और वहीं बाल कटवाऊंगा। नीट पेपर लीक के आरोपों पर तेजस्वी का जवाब। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव पर एनडीए के कई नेताओं ने आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों पर तेजस्वी का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने अब एनडीए की सरकार पर जांच को डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार पेपर लीक किंगपन को बचाने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले में मेरा और मेरे पीए प्रीतम यादव का नाम घसीटना चाहते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वे चाहे तो मेरे पीए को बुलाकर पूछताछ कर ले। आगे तेजस्वी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद और नीतीश कुमार को क्यों बचाना चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने देश के 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हम नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और सेंसरशिप शुरू की गई थी। आज के दिन वर्ष 1995 में भारत और रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि वे संदिग्ध आतंकवादियों और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से मानवीय दृष्टि से मिल सके। आज के दिन वर्ष 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया था। उलटफेर में माहिर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम को होना होगा तैयार। आज रात 8 बजे भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत के दोनों स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान का तोड़ निकालना होगा। यदि भारतीय टीम ऐसा नहीं करती है तो बांग्लादेश की टीम उलट फेर कर सकती है। बांग्लादेशी टीम उलट फेर में माहिर मानी जाती है। अभी भारतीय टीम में स्टार खिलाड़ी अपने रंग में नहीं लौट पा रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत तो की है, हालांकि अभी तक वे बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। वहीं शिवम दुबे बाएं हाथ के बल्लेबाज को बीच के और डेथ ओवरों में छक्के लगाने के लिए टीम में शामिल किया गया था, हालांकि अभी तक शिवम अपेक्षाओं पर खड़े नहीं हो सके हैं। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 269.03 अंक गिरकर 77,209.90 अंक और एनएसई निफ्टी 65.90 अंक कमजोर होकर 23,501.10 पर बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल, टीसीएस, एनटीपीसी कंपनियों के शेयरों में इस गिरावट के बीच तेजी देखने को मिली। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आईटीसी के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के वायरल हो रहे इस लेटर के बारे में। इन दिनों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए एक पत्र की चर्चा देखने को मिल रही है। इस पत्र में प्राप्तकर्ता पर कई आरोप लगाए गए हैं, साथ ही इस पत्र का जवाब भी मांगा गया है। लेकिन आपको बता दें कि यह लेटर पूरी तरह से फर्जी है। जीओआई केंद्र किसी भी संस्था द्वारा ऐसी कोई भी लेटर जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए इस तरह के फर्जी पत्रों पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उस जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है श्रीनगर। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ही माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन डी है एचडीएफसी बैंक। इसका सही उत्तर है एसबीआई बैंक।
हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा शहर बना है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर है मुंबई। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है मुंगेर। इसका सही उत्तर है हाजीपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है महिपाल प्रथम, ऑप्शन सी है देवपाल, ऑप्शन डी है गोपाल। इसका सही उत्तर है धर्मपाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है सोहित कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, गोनर शर्मा, छोटू राजा, पंकज कुमार, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, कृष्णा प्रसाद, रिंकू कुमारी, राजीव कुमार, परशुराम सिंह, ओम प्रकाश कुमार, उषा कुमारी, संजय कुमार शर्मा, समित कुमार, दीपक, वाल्मीकि कुमार, रवि कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।